ऐसा एक वक्त आया कि जब मेरी एक वीडियो वायरल हुई फेसबुक पे, उसके बाद मुझे वहाँ से अडॉप्ट करने वाले मसूद आलम सर हैं, उन्होंने मुझे बोला कि सजाद, तुम्हारे लिए मेरे पास काम है, सो आप रेडी रहिएगा। तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी एक अचीवमेंट थी वो कि मसूद सर ने मुझे कॉल किया और अपने गाने के बारे में बताया कि आपका मैं गाना करूँगा। तो मुझे एक तरह से बहुत बड़ी खुशी हो रही थी कि एक सिक्योरिटी गार्ड जो कि एक गलियों कूचों में गाता रहता है, और उसको उसने कभी ख्वाब देखे थे कि काश मैं इस बड़े लेवल पे कभी किस प्रोग्राम में मैं गाऊं, और मैं जितना भी थैंक यू कहूं उनके लिए बहुत कम है मेरे लिए। एक तेरा प्यार मैनू मिलया, मैं दुनिया ते होर की लैना। एक तेरा प्यार मैनू मिलया, मैं दुनिया ते होर की लैना। पहला मौका और मैडम नूरजहान का गाना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। एक तेरा प्यार भी हमने थोड़ा डिफरेंट करा है, वो रॉक में नहीं है, बट इट्स अ नाइस साउंड। एक तेरा प्यार भी मैडम जी का बहुत ही कोई खूबसूरत तरीन गाना है, सच अ रोमांटिक सॉन्ग। और सज्जाद जितना शाय और जितना शर्मीला और जितना रिजर्व है, झिझकता है, आई बिलीव उसके अंदर कहीं ना कहीं कोने में एक रोमांटिक इंसान भी छुपा हुआ है। एक तेरा प्यार मैंने मिलया, मैं दुनिया ते होर की लैना। गाना गाना है हमारा मुल्क का, हमारे असासा है वो गाना, जितना खूबसूरत गाना है। और मैडम जी ने तो क्या ही कहें कि कितना खूबसूरत गाया है। अगेन हमने अपने अपने थोड़े से इल्म में, थोड़ी सी आवाज़ में, थोड़े से टैलेंट में रहते हुए उसको खूबसूरत बनाने की कोशिश की है। सो लेट्स सी आवाम क्या कहती है इस बारे में। एक तेरा प्यार मैंनू मिलया, मैं दुनिया ते होर की। हमारी कोशिश है कि हम उन पुराने गानों को ज़िंदा कर सकें और वो हम अपनी यूथ को सुना सकें, क्योंकि सब जगह पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है कि लोग अपनी पुरानी मीरास को निकाल कर लोगों तक अपनी नई जनरेशन को सुना रहे हैं। One, two, three, check. Season one.